पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा यमुनानगर के छछरौली पहुंची, जहां उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि चुनाव तिथि बदलने से कुछ नहीं होगा, लोगों ने मन बना लिया है, बीजेपी जाएगी कांग्रेस आएगी। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सीएम का चेहरा कांग्रेस पहले तय नहीं करती, ये हमेशा ही हाई कमान तय करता है और समय आने पर इसका निर्णय दिया जाएगा। बढ़ रहा है, हर तरह से टेम्परेचर बढ़ रहा है। यहाँ पर तो कांग्रेस में उत्साह का टेम्परेचर बढ़ रहा है। उत्साह से लोग खुशियों से एक्साइटमेंट में लोगों को गर्मी चढ़ रही है। मुझे लगता है कि भाजपा के पसीने छूट रहे हैं। 10 साल राज किया भाजपा ने, लेकिन भाजपा की असलियत इन्हें पहले ही नजर आने लगी। मुख्यमंत्री बदलाव के बाद कुछ नजर नहीं आया। इश्तेहार पर इश्तेहार, कोई भी अखबार देखो फुल पेज एड्स। अब पता नहीं कि लोगों को वो क्या समझाना चाह रहे हैं या मीडिया को खुश करना चाह रहे हैं, लेकिन 10 साल की कारगुजारी तो लोगों के सामने है, इनका लेखा जोखा लोगों के सामने है। बेरोजगारी बढ़ती गई, पेपर पर पेपर लीक होते गए, नौकरियां मिली नहीं, लोगों का पलायन शुरू हो गया, विदेशों में जाने लगे, यहाँ तक कि जहाँ जंग हो रही है वहाँ भी लोग उम्मीद से जाने लगे, क्योंकि यहाँ बिल्कुल नाउम्मीद हो चुके हैं। हमारे बच्चे अपने घर में ना रहकर दर दर भटक रहे, ये इस भाजपा सरकार की कमी नहीं है तो क्या है? इनकी गलत नीतियों का नतीजा नहीं है तो क्या है? स्कूल खुलने चाहिए, यहाँ स्कूल बंद होते, शिक्षा पर ध्यान नहीं, महंगाई, बेरोजगारी, नशा, हर तरह से हरियाणा में इन चीज़ों का बोलबाला है।